विद्यालय की संस्थापक अध्यक्षा महोदया एवं हमारी पूजनीय माता जी श्रीमती शांति देवी जी, आज के अवसर पर विद्यालय परिवार एवं हमारे परिवार के उपस्थित अभिभावक आदरणीय श्री रामानुज शर्मा जी, वरीय अधिवक्ता श्री राम किशोर बाबू जी, प्रभात खबर अखबार के ब्यूरो चीफ आदरणीय रोशन जी, आचार्य कमल नयन जी, संयोग से हमारे बाल सखा, हम लोग विद्यालय से साथ साथ पढ़े, हमारे मित्र जो भी बंगलोर में इन्वेस्टमेंट कंपनी के चेयरमैन हैं आदरणीय राजेश कुमार और रिंकू जी, आचार्य सत्येंद्र नारायण जी, हमारी प्राचार्या महोदया, सभी ब्रांचेज की इंचार्जेज महोदया, साथ साथ सभी शिक्षकगण एवं कुछ उपस्थित हमारे विद्यार्थीगण, चिन्मय मित्र सखा एवं परिवार के सभी सदस्यों को 75वें स्वतंत्रता दिवस, जिसको प्लैटिनम जुबली के रूप में भी हम लोग मना रहे हैं, हमारी सरकार अमृत महोत्सव के रूप में भी मना रही है, सबों को ढेर सारी शुभकामना, हार्दिक बधाई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ कुछ विद्यार्थी भी हैं, इसलिए जानकारी देना महत्वपूर्ण है कि हम लोग दो त्योहार राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं, एक 15 अगस्त एक 26 जनवरी, दोनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग इतिहास है। सर्वविदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, इस आजादी के पीछे कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने हमारी स्वतंत्रता सेनानी, कितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स, बड़ी लंबी फेहरिस्त है, नाम लेने लगेंगे तो। लेकिन आज का दिन उस सभी लोगों का नमन करने का, सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी दिन है, और यह भी है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के पद चिन्हों पर उनका जो स्वप्न था कि देश आजाद क्यों हो, देश को आजादी की जरूरत क्यों थी, तो उनका एक विजन था, उनका एक सपना था। हम गुलामी के जंजीरों में पांच दस घंटे के लिए किसी को बोला जाता है कि यहां पे आपको यहां से अब नहीं हिलना है, तो लगता है कि 5 घंटे के लिए हम गुलाम हो गए, और बिल्कुल उनका बीपी और शुगर सब बढ़ने लगता है। तो हम लोग 200 वर्ष कंटिन्यू गुलामी में रहे, और उसके बाद हमारे जो पूर्वज थे वह स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को आहुति दे दिए, और उस आहुति के बाद यह दिन हम लोग को देखने को मिला। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनका सपना क्या था, सोच क्या था, क्यों लड़ाई लड़े, भारत को कहां पहुंचाना चाहते थे, हमारे देश की जनता को क्या देना चाहते थे, वह सारी चीजों का अध्ययन करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनके पद चिन्हों पर चले, अरे हम अपने देश को मजबूत और समृद्ध देश बनाए, अरे अच्छे भारतवासी, अच्छे देशवासी के रूप में अपने आप को स्थापित करें। तो बच्चों, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अपने आप को यह समझो कि महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य था, सुभाष चंद्र बोस का क्या उद्देश्य था, सरदार भगत सिंह का क्या उद्देश्य था, चंद्रशेखर सिंह क्यों शहीद हो गए, तो उनके सपनों को साकार करने का जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। हमारे शिक्षक और शिक्षक गणों का यह कर्तव्य बनता है कि शिक्षा वही दें जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो, शिक्षा यह नहीं दें कि वह कुछ पढ़ के कुछ नौकरी कर लेगा तो नौकरी करके वह कुछ रुपये तो कमा सकता है, लेकिन जब संस्कार नहीं आएगा तो न समाज का विकास कर पाएगा, न अपने गांव का विकास कर पाएगा, न अपने राष्ट्र का विकास कर पाएगा, वह शिक्षा से क्या फायदा। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक भी थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वह भी एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, और सबसे दुर्दांत आतंकवादी जो विश्व का हुआ ओसामा बिन लादेन, वह भी एरोनॉटिकल इंजीनियर था, पढ़ा तो दोनों विश्व को किस दिशा में ले गया। तो हमें एपीजे अब्दुल कलाम बनाना है, यह ध्यान रखना है, संस्कारवान शिक्षा देंगे एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, संस्कारहीन शिक्षा देंगे तो वह ओसामा बिन लादेन बनेंगे, मार्ग से भटक जाएंगे। तो इस चीजों का ध्यान रखना है, और इसी की ओर हमारे विद्यालय, हमारे विद्यालय के शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को इसी दिशा में हम लोग ले जाएं, और बच्चों को कितना ज्ञान देते हैं वह बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कितना आप संस्कारवान बनाते हैं। दूसरी बात, कोरोना जैसी महामारी
सदी मैंने 100 साल में तो शायद नहीं देखे होंगे, क्योंकि 100 साल से उम्र से ज्यादा यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है। तो अभी हमारा देश, हमारा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, गुजर रहा है। खास करके शैक्षणिक संस्थाओं पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन क्लासेज एक विकल्प के तौर पे चुना गया, लेकिन यह बच्चे भी समझ रहे हैं, अभिभावक भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेज बेहतर विकल्प हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर होता तो उत्कृष्ट देश, जो विकसित देश अपने आप को बोलते हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, वह विद्यालय का भवन क्यों बनाते? ऑफलाइन क्लासेज की जरूरत क्यों थी? उनके पास तो एक से एक डिजिटल का पूरा विज्ञान उनके पास है, वह ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ाते। तो कभी भी ऑफलाइन क्लास का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकता है। लेकिन इंसान को परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो हम लोग अब ऑफलाइन क्लास की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हो रही है, कल परसों से विद्यालय प्रारंभ भी हो जाएंगे। तो अब आग्रह है शिक्षकों से कि जैसे तन्मयता से, अपने मेहनत से, लगन से ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों को बिल्कुल अपना पूरा एफर्ट दिया, पूरी एनर्जी दिया और सिलेबस को कवर करते गए, बच्चे का अडॉप्ट क्लियर भी करते चले गया, तो उस पर ध्यान देना है कि ऑफलाइन में जो चीजें रह गई हैं, जो छूट गई हैं, उसको हम लोग पूरा करें, ताकि जो मेरा ये सेशन है वह कंप्लीट हो और बच्चों को जिस विषय का हमने सिलेबस दिया उसका पूरा ज्ञान उसको हो सके। तो कल परसों से होना, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग को तैयार हो जाना है और इस रूप में करना है। बच्चे अभी कम आएंगे निश्चित है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग देखें ट्रेडिशन कि जब परंपरा शुरू होती है एक घर दो घर से, तो होता है कि बगल का बच्चा जा रहा है तो फिर बगल का बच्चा भी जो नहीं जा रहा वह भी आने लगेगा। तो इसको शुरुआत करना है। मौसम गर्मी है, हमारे अभिभावकगण कहीं थे कि जितना देर बोलो हम तो सहेंगे, हम सहने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं। तो फिर से आप लोगों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।